हेलो एवरीवन, सॉरी मेरा आवाज़ गया हुआ है। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि पैसे देके बालों को कैसे ख़राब किया जाता है। कल क्या हुआ दैट आई हैड एन इम्पॉर्टेंट ऑडिशन टू गिव। तो उस कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट था कि यू नो शी वॉज़ वेरी मॉडर्न एंड रिच लुकिंग। सो आई थॉट यू नो मेरे बालों में हाईलाइट्स करा दूँ। इट्स बीन अ वाइल, एक साल हो गए मैंने नहीं किए थे। मैं अपने रेगुलर स्टाइलिस्ट के पास नहीं गई क्योंकि उसका सैलून बहुत दूर है और मेरी तबीयत ख़राब थी, हैड फीवर। तो मैं पास के सैलून में कंसल्टेशन के लिए गई एंड दे कन्विंस्ड मी दैट दे डू अ गुड जॉब। और उन लोगों ने मेरे बालों का वाट लगा दिया है। एक तो हाईलाइट्स करने के लिए उन्होंने कम से कम 4.5 से 5 घंटे लिए एंड इतने नौसिखिया थे कि उन्होंने जो मुझे कलर दिखाया और जो मेरे बालों में किया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एंड व्हेन आई सेड दैट दिस इज नॉट द कलर दैट आई वाज टोल्ड, वो कहने लगे कि ये सिंथेटिक है, असली बाल नहीं है तो इसमें अलग रंग आते हैं। तो बेसिकली उन लोगों ने मेरे बाल को ऐसे हाईलाइट किया है। अभी तो ये गीले हैं, पता नहीं चल रहा, जब सूख जाएगा तो मैं बताऊँगी। देखो थोड़े थोड़े पोर्शन दिखेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है कि बालों में ना टैल्कम पाउडर डाला हुआ है। जगह जगह पे ग्रेस डाल दिए हैं उन लोगों ने, मतलब लोग अपने ग्रेस कवर करने के लिए कलर करते हैं। ये ठीक ठाक बालों को लोग ने वाट लगा दिया। तो उधर की जो मैडम है उन्होंने मुझे आज फ़ोन किया कि मैम आप शाम को आ जाइए, विल सी व्हाट वी कैन डू। अब पता नहीं इन जले हुए बालों को वो फिर से क्या करने वाली हैं। जो उन्होंने मेरा बाल का हल किया था वो मैं सूखने के बाद आपको बताऊँगी और देखते हैं आज और क्या करेंगी वो मेरे बालों के साथ। प्लीज़ विश मी लक। और बाय द वे, ना बाल के हाइलाइट्स ठीक है, ना मैंने ऑडिशन दिया है अभी तक। अब देखते हैं वो शाम को क्या करते हैं। तो मैं अपने जले हुए बाल लेके जा रही हूँ सैलों में, देखते हैं देखो नो रिवाइव इट सीम्स क्या करते हैं। ये देखो, देखो पूरे जले हुए, मतलब तो लग रहा पाउडर डाला हुआ है। दिस इज द हेयर दैट दे हैव डन नाउ। ये देखो, कैन यू सी दिस ग्रे। वाओ, इस लाइट में तो और भी भयानक दिख रहे हैं। बर्तन धोने के लिए अगर कोई स्क्रबर की ज़रूरत है तो फिर मेरे ही थोड़े बाल काट के लेके जाए। ये देखिए करीब से, फिर से देखिए, ये जो पीछे है ना मेरा बंदा चश्मा पहना हुआ, इसने बिगाड़े थे मेरे। डबल चिन पे फोकस मत कीजिए। ये लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं वो देखो, ये जो फैंटा वाली बंदी है ये मेरे बाल ठीक करने वाली है। थोड़े बेहतर तो लग रहे हैं बट इवेंचुअली। ये देखो काफी बेहतर दिख रहा है। फिर से देखेंगे, गौर से देखिए, ये वही बाल है जो जले हुए थे, अब ठीक ठाक लग रहे हैं। और मैं ऑटो में बैठ के अपने बालों को लहरा रही हूँ क्योंकि मैं अब खुश हूँ क्योंकि मेरे जले हुए बाल अब थोड़े से ठीक हो गए हैं। चलो घर चलें। और मैं आ गई हूँ घर और मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूँ और अब मेरे बाल बहुत बेहतर लग रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। ये देखिए, एनीवे सो लेसन लर्नड, अगर आप एक रेगुलर हो किसी सैलों में तो प्लीज़ उसी सैलों में जाके अपने ही बंदों से तो अपने ही सैलों में जाके अपने ही स्टाइलिस्ट से हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट कराएं। एक्सपेरिमेंट करने जाओ तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, थोड़ा वेट करो और फिर ही करना, वरना मेरे जैसा हो जाएगा। कहाँ बुड्ढी के बाल और कहाँ ये ब्राउन बाल थोड़ा थोड़ा साउथ निकल जाता है। सो गाइज, लेसन लर्न, नेवर एक्सपेरिमेंट विद न्यू पीपल एट अ न्यू सैलॉन एंड सम न्यू हेयर कलर। ऐश फैश बोल के ना बुड्ढी का बाल चिपका दिया। दिस इज कूल ना। लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस। बाय।